हेलो दोस्तों, ब्लॉगिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज हम लोग बात करेंगे बैकलिंक के बारे में। हमेशा आप लोग कमेंट करते हो और यूआरएल वगैरह देते रहते हो कि सर बैकलिंक क्रिएट कर दीजिए, तो ठीक है, मैं अब बैकलिंक आपको क्रिएट कर दूंगा और अपने ही जितने भी वेबसाइट है उन सबसे मैं आपको बैकलिंक दे दूंगा। लेकिन गाइस, इस बैकलिंक के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको मैं ऐसे ही बैकलिंक नहीं दूंगा। बैकलिंक के लिए आपको अपना यूआरएल जो है उसे कमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पर आकर के कमेंट करना है। कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप गूगल पे जाना है, आपको गूगल पे आपको सर्च करना है ब्लॉगिंग स्पेशल। ब्लॉगिंग स्पेशल आपको सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट में ही आपको मेरा यूआरएल दिख जाएगा ब्लॉगिंग स्पेशल का। आपको जस्ट इस पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जो कि मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ से क्रिएट किया है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है गाइस कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन पे आप जो है ना आंसर कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी एक क्वेश्चंस को चूज कर सकते हो और चूज करने के बाद वहाँ पर आप, ठीक है, सबसे पहले तो रजिस्टर का ऑप्शन में आएगा। रजिस्टर में कुछ नहीं, जस्ट आपको एक यूज़र नेम आपको बनाना पड़ता है, वो ईजिली आप यहाँ से बना लोगे। ठीक है, आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर आप एक छोटा सा एक आंसर कर सकते हो और आंसर में अपना यूआरएल जो है वो लगा सकते हो नीचे में। ठीक है, जस्ट ये कोरा के तरह ही है। आप इसमें अपना कमेंट लिखना है आपको, मतलब एक आंसर के रूप में कमेंट लिखना है और उस पर अपने यूआरएल को लगा देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ से बैकलिंक मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, आपको अगर किसी दूसरे वेबसाइट से चाहिए, मैं अगर आपको अपने और भी अन्य वेबसाइट से आपको अगर बैकलिंक दूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां पे देख सकते हैं आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जस्ट आस्क क्वेश्चन में क्लिक करना। क्लिक होने के बाद यहां पे आपको कुछ डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, जनरली जो भी समस्याएं होती है ब्लॉगर को वो एडसेंस वेबसाइट या यूट्यूब से रिलेटेड होती है, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन को चुन लेंगे जो भी सुटेबल होगा। उसके बाद आप जिस कंटेंट पर मतलब ये बैकलिंक लेना चाहते हो, बैकलिंक बनाना चाहते हो, उस कंटेंट का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है। दो ही भाषा में आप लिख सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश, दूसरा और किसी भी भाषा में नहीं। ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई समस्या से रिलेटेड अगर आपके पास इमेज है तो इमेज अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसे रहने दें। आप यहाँ पर जो है अपना कमेंट करेंगे, यानी अपने आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा सा ये कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे यूआरएल ही आप कमेंट मत कर देना। आप थोड़ा बहुत कुछ भी आप यहाँ पर लिखना और लिखने के बाद हो सके तो अपने समस्या को ही आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, और उसके बाद अपना यूआरएल जो है उसे यहाँ पर लगा देना। लगाने के बाद नीचे में गाइस एक टैग आपको यहां पर डालना है, आपका नाम डाल देना और यहां पर ईमेल एड्रेस आपको डाल देना और सबमिट क्वेश्चन यहां पर कर देना। इसे क्या हुआ गाइस कि जब भी मुझे हर रोज़ तो मैं आर्टिकल लिखता हूं, तो आर्टिकल में इंटरनल लिंक मैं अपने ही वेबसाइट से लगा देता हूं, तो जो मुझे एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत पड़ेगी एसईओ के पर्पज़ से, वो एक्सटर्नल लिंक मैं यहां से ले लूँगा। जो भी आप यूआरएल यहां पर शेयर करोगे, ठीक है, बस याद रहे कि वो blogspot.com का नहीं होना चाहिए, क्योंकि blogspot.com का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो हर रोज़ आप लोग बनाते बिगाड़ते रहते हो। तो जो भी आपका डोमेन होगा वो कस्टम डोमेन होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कस्टम डोमेन चलेगा, बट वो blogspot.com वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने यूआरएल को कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको किस तरह के वेबसाइट या किस तरह के कंटेंट से आपको बैकलिंक चाहिए। मेरे पास कई सारे वेबसाइट है, अलग अलग टॉपिक पे काम करता हूँ, तो मैं वहाँ से आप लोग को बैकलिंक क्रिएट करके दे दूंगा। और गाइस, ब्लॉगिंग सीखने के लिए जो है ना ब्लॉगिंग स्पेशल जो चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।